आते हैं तो महाराष्ट्र में आने के लिए ये बॉर्डर लगता है, पलासमेर बॉर्डर, तो बॉर्डर पे हम लोगों को महाराष्ट्र पुलिस का कार्ड दिया जाता है और उसका हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो 70,000 के आसपास रहता है। उसके बावजूद भी हमको यहाँ 70,000 खर्च करने के बाद में भी पुलिस इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, जब हमने पैसे उनका पहले ही पेमेंट कर दिया तो फिर जब हमें पर गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें। आज भी हम आज मौजूद है देवनार के मंडी में, जहां पर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से गाड़ियां जो बकरे भर के आते हैं और यहां पर बेचने के लिए आते हैं। सोच सकते हैं कि यूपी और मुंबई तक सफ़र किस तरह से रहता है इनकी तरह से। आज हमारे साथ में एक ड्राइवर हैं जो यूपी से मुंबई के सफ़र देवनार मंडी में बकरा बेचने के लिए आए हुए हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद अकरम खान। क्या लगता है किस तरह से आपका सफ़र यहाँ तक रहा? सफ़र काफ़ी लंबा रहता है और लंबे सफ़र में पुलिस का जो सहयोग जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पुलिस परेशान महाराष्ट्र में बहुत करती है, और हालांकि ये सफ़र तो खैर रहता ही है परेशानी का, साल में एक बार यहाँ आना होता है, लेकिन किस जो सहयोग की हम लोग आशा करते हैं वो सहयोग मिलता नहीं है। पुलिस पैसे को लेकर काफ़ी परेशान करती है, तो उसकी वजह से हर साल यहाँ आने का जो मन है जो लोगों का घटता जा रहा है। गाड़ियाँ भी आती हैं आने से मना करती हैं, ड्राइवर लोग भी आने से मना करते हैं, और माल की भी कमी होती जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ जो आने के बाद में परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। अभी ये जैसे दिन के 11 बजे से यहाँ गाड़ी आई हुई है और माल इस बकरा जो इसके अंदर बंद है, अब गर्मी का समय है, अब बकरे को हवा नहीं मिलेगी। जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। अगर जल्दी से माल खाली करने की व्यवस्था हो तो माल ठीक से बिक सकता है, अन्यथा गाड़ी के अंदर मरने की उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं और मर भी जाता है। तो इस साल और अगले साल का एक्सपीरियंस में क्या रहा, कितनी तकलीफ यहाँ झेलना पड़ रहा है आपको आने के बाद मुंबई में? तकलीफ साल भी आए रहेंगे आप? हाँ लगातार आते हैं हम लोग। तकलीफें तो यही रहती है कि ये पुलिस जो है सहयोग नहीं करती। पुलिस को अपना पैसे से मतलब है, उन्हें अपनी एंट्री चाहिए, तो वो सहयोग नहीं करती है, चाहे उनकी गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहे चाहे 2 घंटा खड़ी रहे, लेकिन वो गाड़ी को छोड़ते नहीं है वो। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको महाराष्ट्र में पुलिस से तकलीफ होती है? मुंबई के करीब आके। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार का जो दावा रहता है कि बकरा लाने के लिए लोगों का, तो कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ भरा रहता है? वो सब दावे कोई काम के नहीं है, वो दावे सिर्फ दिखाने के लिए हैं। बाकी जो उसका सामना हम लोग करते हैं, हमें पता है कि यहाँ आने में क्या प्रॉब्लम होती है। लगभग हम इस काम को छोड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके छोड़ देंगे हम लोग। ये आते हैं तो महाराष्ट्र में आने के लिए ये बॉर्डर लगता है, पलासमेर बॉर्डर, तो बॉर्डर पे हम लोगों को महाराष्ट्र पुलिस का कार्ड दिया जाता है और उसका हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो 70,000 के आसपास रहता है। उसके बावजूद भी हमको यहाँ 70,000 खर्च करने के बाद में भी पुलिस इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, जब हमने पैसे उनका पहले ही पेमेंट कर दिया तो फिर जब हमें वो पुलिस की रिश्वत है। 70,000 रुपया पर गाड़ियों से? हाँ, वो 70,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। कि वो तो कुछ नहीं दिया जाता, वो एक लिस्ट चलती है, लिस्ट के हिसाब से गाड़ी को पर थाने के आगे व्हाट्सएप से उनको व्हाट्सएप कर दिया जाता है, गाड़ियाँ आगे निकलती जाती है, लिस्ट पे नंबर देखते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। किस मतलब कौन से बॉर्डर से ये बॉर्डर आप बता? पलासमेर बॉर्डर से देवनार तक, और उसके बावजूद भी हमको पुलिस वाले रास्ते में रोक के नगद पैसे अलग मांग करते हैं, टाइम खराब करते हैं हमारा, हमारे माल को जो मरता है, हमारा माल जो वेस्टेज जाता है वो उन्हीं की वजह से जाता है, क्योंकि गाड़ी हम रोक नहीं सकते, इस माल को हवा नहीं लगती तो जल्दी से जल्दी ये मर जाता ही है। अभी आप देख रहे हैं 11 बजे से यहाँ गाड़ी खड़ी है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, यहाँ खाली करने का कुछ वो नहीं है सिस्टम। तो एक बड़ा खुलासा हुआ, 70,000 रुपये का जो पर गाड़ियों से महाराष्ट्र सरकार टैक्स के मतलब रिश्वत के तौर पे वसूली जाती है। कहीं ना कहीं शिंदे सरकार के जो राज में ये बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र पुलिस की वसूली चल रही है बॉर्डरों पे, तो ये कहीं कहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इनके ड्राइवर जो आने वाले बाहर से उनका मनोबल टूटता नज़र आ रहा है। आपका नंबर दे दो।